जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुआ निर्णय, 10 दिन का रहेगा कोरोना कर्फ्यू। कोरोना के तांडव को रोकने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में जिला आपदा प्रबंधन समिति की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में हुए सामूहिक निर्णय के बाद कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि जिले में 16 अप्रैल शाम से 26 अप्रैल तक 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल आपातकालीन सुविधाएं ही उपलब्ध होंगी। इस बैठक में कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, अपर कलेक्टर सुनील राज नायर, मनासा विधायक माधव मारू, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू, CMHO महेश मालवीय आदि शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो कि जिले के लिए चिंताजनक विषय है। शादी समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए 50 से ज्यादा लोग शामिल होंगे तो कार्यवाही की जाएगी। विधायक माधव मारू ने कहा कि मनासा और जावद में हर हाल में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। कोविड सेंटर में और किस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिले में लोगों को हर प्रकार की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए, ताकि घर बैठे सारी सुविधाएं मिल सके। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जिनेंद्र डोसी ने कहा कि बार बार के लॉकडाउन से व्यापारी संतुष्ट नहीं है, व्यापार व्यवसाय प्रभावित होता है। तो वहीं मंडी व अन्य व्यापारियों ने कहा कि मंडी में जिले भर से किसान उपज लेकर आते हैं, कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। यही हालात सब्जी मंडी और फ्रूट मार्केट के हैं, इसलिए हम सभी व्यापारी शासन प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे और लॉकडाउन लगाना चाहिए। कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलने के दौरान परिजनों की संख्या को देखते हुए गेट पर गार्ड की व्यवस्था की जाए, ताकि कोरोना संक्रमित के संपर्क में ज्यादा लोग ना आएं। कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं के आवागमन पर छूट रहेगी। अस्पताल, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को छूट रहेंगी। किराना दुकानें, रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, बैंक, दूध एवं सब्जी एवं अन्य वस्तुओं के चलित ठेले चल फिरकर व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे। अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन में छूट रहेगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं व दूध एकत्रीकरण व वितरण के लिए आवागमन चालू रहेगा। बैठक में तहसीलदार अजय हिंगे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, कैट जिला अध्यक्ष दीपक असनानी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक समिति की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि लंबा लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि लगातार केसेस बहुत तेजी से निकले जा रहे हैं। लगभग 100 के ऊपर केसेस कल भी निकले, 122 केसेस। तो इसीलिए आज शाम से जो लॉकडाउन लगता है, जो शनिवार इतवार वाला लगता है, उसी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा अभी प्राथमिक रूप से अगले सोमवार तक के लिए। फिर बताइए किस प्रकार की जिले में शक्ति रहेगी? अभी तक देखा जाता है कि जो दो दिन का तीन दिन का लॉकडाउन लगता था, लोग घूमते थे और कहीं ना कहीं जिन लोगों को घर में रहने के अनावश्यक घूमते रहते, क्या प्रशासन सख्त होगा सर? प्रशासन सख्त रहेगा। देखिए, इसमें लोगों के मूवमेंट पे, अनावश्यक लोगों के मूवमेंट पे तो रोक रहेगी, मगर जो जरूरी कामों से लोग मूव कर रहे हैं, या कोई लेबर है, या कहीं जाने किसी फैक्ट्री में काम करता है, दवाई वाला है, या सब्जी वाले ठेलों को भी हमने उस तरीके से अप्रूव करा हुआ है कि वो अपने अपने ठेले ले जाके वहीं बेच सकता, सब्जी मंडी में नहीं। तो वो सारे मूवमेंट लोगों का दिखेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम मूवमेंट का नहीं दिखेगा, मगर भीड़ को हम लोग रोकेंगे बेसिकली। होम डिलीवरी वगैरह का कुछ छूट रहेगा इसमें? क्या चीज़ का होम डिलीवरी वगैरह? बिल्कुल, होम डिलीवरी किराना का होम डिलीवरी वाइज रहेगा, होम डिलीवरी किया जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं रहेगी। गरीब तबके के लिए भी बताया जा रहा है, बैठक में मुद्दा उठा था, गरीब तबके के लिए क्या है, जो लोग ऐसे जीवन अपन इसी के आधारित करते, डेली कमाते डेली खाते। नहीं देखिए, ज्यादातर देखिए एक्टिविटी जो रोजमर्रा वाली है, दूध की, पेपर वालों की, ये सब वैसे भी रोकी नहीं गई है और ये वैसे भी चलती रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं इफेक्ट आ रहा है। हाँ, ये बात एक जरूर उठी थी कि शादी वाले जो होते हैं, तो शादी में बड़े आयोजनों का तो कदम करा गया है, मगर बहुत छोटे मोटे जो आयोजन रहते हैं 50 लोगों तक के, वो करवाए लिए जाएंगे। सर, इसमें जैसे होटल वालों को, इन लोगों को, बैंड वालों को, इनको इस प्रकार की छूट मिलेगी?
होटल और बैंड वालों के लिए ये निकाला गया है कि ये निर्णय लिया गया है कि 50 तक के लोगों के वो लोग भीड़ का वो रह सकता है और उसकी एसडीएम से अनुमति ली जाएगी, और अगर किसी होटल वाले ने, किसी टेंट वाले ने या खाना जो भोजन देते हैं, कहीं तो होटल वाले पूरा मैनेजमेंट करते हैं मगर गांव के ने टेंट वाले और भोजनालय वाले अपना भोजन वाले व्यवस्था करते हैं, तो वो 100 से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था ना करें। अगर करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, आयोजक के ऊपर तो अलग कार्रवाई करेंगे ही। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि शादी समारोह बड़े आसानी से हो जाते हैं क्योंकि वहाँ समारोह खेत में करते हैं, ऐसे में प्रशासन देख रहा है अभी मामले भी गाँव में नहीं। अभी तक रेस्ट्रिक्शन हम लोग जो लॉकडाउन लगा रहे थे वो सिर्फ शहरी इलाके में लगा रहे थे, हम लोग ग्रामीण इलाके में उतना नहीं कर रहे थे, और शहरी इलाके में ही ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड भीड़ रहती थी तो थोड़ा फोकस उधर था, मगर अब हर जगह ही इसको पालन करवाएंगे। लेकिन शादियों में ज्यादा लोग सम्मिलित होते हैं, प्रशासन कैसे कंट्रोल करेगा उनको निचले स्तर ग्रामीण क्षेत्र? नहीं देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, एक दो कार्रवाइयाँ होंगी, और अगर ऐसा होता है एक तो मैसेज हम लोग प्रचार प्रसार हम आप लोग के माध्यम से भी हो रहा है, हमारे कोटवार सचिव सरपंच पटवारी के माध्यम से भी, हम लोग अपने निचले अमले के माध्यम से भी इस मैसेज को क्लियर करवाएंगे, और अगर पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। सब लोग बाहर से आते आ रहे हैं, जो रोज समाज खा रहे हैं उनके खाने की लोगों अभी अगर ऐसे लोग हैं जो रोज कमा रहे हैं खा रहे हैं, उसको अगर दिक्कत होगी तो हम लोग बाकी जन कई सारे एनजीओज हैं उनके माध्यम से और शासन के माध्यम से भी उनको व्यवस्था करवाएंगे। कितने दिन के लिए लॉकडाउन टोटल लगा अभी कितना दिन लगेगा? ये अगले सोमवार तक लगाएंगे। नहीं मैंने अभी वैसे बैठक में रेमडेसिविर के बारे में बताया था, मैं आप लोग को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए रेमडेसिविर जो है एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, ये ऐसी ड्रग नहीं है कि जिसको कहा जाता है कि बुखार हो रहा है तो आपने पैरासीटामोल ले ली तो आपका ठीक हो जाएगा। और हम लोगों ने कल भी एक बैठक ली थी जिसमें हम लोगों ने डॉक्टरों को भी क्लियर किया था केवल पॉजिटिव हो जाने पे किसी को रेमडेसिविर लिख देना ठीक नहीं है। सरकार ने भी गाइडलाइन जारी करी है और ICMR के रिसर्च के हिसाब से भी इसमें केवल उन पेशेंट्स को दिया जाना है जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका 20% से ज़्यादा लंग डैमेज है और जो 85 के आसपास से नीचे अब उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है। तो आम आदमी की भाषा में कहा जाए जो लोग आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोग के लिए पॉजिटिव पेशेंट उन लोग के लिए नहीं है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं सीरियस पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, और केवल ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें इसको लेने से ठीक ही हो जाता है, ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है और WHO ने इसको अप्रूव भी नहीं किया है। दूसरी चीज़ सामने आई है कि हम लोगों ने इस बारे में डॉक्टरों को भी अपना जागृत कराया है। दूसरा ये भी है, पहले पिछले बार जब कोरोना हुआ था तो इसमें रेमडेसिविर की टैबलेट्स ली जाती हैं, तो जो लोग खा सकते हैं तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस मामले में भी हम लोगों ने डॉक्टरों को समझाइश दी है कि अगर ऐसा कर लेंगे तो एक क्राइसिस वाली जो स्थिति बन रही है वो उत्पन्न नहीं होगी। तो अभी कोरोना अभी रेमडेसिविर दो जगह से उपलब्ध हो रही है, हमारे सिविल हॉस्पिटल में करीब 8 से 10 वायल्स डेली आते हैं उज्जैन से, वो केवल ICU के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आ रहे हैं। दूसरा ये क्या कहते हैं प्राइवेट स्टॉकिस्ट, 3 स्टॉकिस्ट हैं उनके पास में आता है, उसकी डोज भी कंट्रोल्ड आती है और उसको जब कोई पेशेंट जो इस मापदंड में आ रहा है उसको वेरीफाई करने के बाद जारी किया जाता है। अभी तक उसकी डोज काफ़ी कम है, अभी हमारी 18 आई थी, आज हमारे को 30 का मिला है, तो कल आज शाम या कल सुबह तक 30 डोज और आएंगी। मगर एक चीज़ एक भ्रांति और भी है कि रेमडेसिविर की एक डोज ले लेने से कोई उपचार नहीं होता, अगर उपचार होता है तो 6 डोज मिनिमम लगती हैं, 5 से 6 डोज लगती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एक ही डोज ले रहा है उससे आपका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस ही डेवलप होगा और बाकी दिक्कत ही होगी, पैसा भी बर्बाद होता है। तो ये भी हमें डॉक्टर्स को और ये भी देखना पड़ेगा कि किसी को लग रही है तो 6 डोज 5 डोज का पूरा कोर्स लगे। नहीं ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, देखिए लॉकडाउन जो है ये लोगों के मूवमेंट पे उतना ज़्यादा लॉकडाउन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सड़कों पे एकदम ही लोग नजर आएंगे, इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और जो बेनले जो दुकानें हैं इन सबको बंद किया जा रहा है, उसका कारण केवल इतना है कि एक साथ इकट्ठी भीड़ ना हो, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट रहेगा, लोग इधर से आगे जाएंगे उसमें तो लोग रहेंगे। जिलेवासियों से क्या अपील करना चाहेगा प्रशासन? सरकार का फैसला बैठक में लिया गया, क्या रहेगा आगे? लगातार कोरोना को लेकर
क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें हो रही हैं, हर बैठक में व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं सब ठीक लगातार चल रही हैं हमारी, प्रशासनिक व्यवस्था, मेडिकल एड संबंधी व्यवस्थाएं, ये सब अभी तक सब व्यवस्थित चल रही हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स भी उपलब्ध हैं, अभी भी खाली बेड्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता है। रेमडेसिविर हमारा लगातार आ रहा है, डेली बेसिस पर आ रहा है, जितने लोग आईसीयू में उनके लिए रोज आ रहे हैं लगातार, कुछ प्राइवेट शॉप्स पर भी आ रहे हैं, 3 प्राइवेट शॉप पे, तो ये सब व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, लेकिन पेशेंट को हम नहीं रोक पा रहे हैं। जिले में पेशेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की एक्टिविटी, जो जागरूकता हम चाह रहे थे, पिछली बार कोरोना से इतनी तकलीफ होने के बाद, लॉकडाउन से इतनी तकलीफ देखने के बाद भी आज लोग जागरूकता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम जो आशा कर रहे थे कि लगातार हम जागरूक करें लोगों को, उसके लिए लगातार निरंतर हम सब ने प्रयास किए हैं, प्रशासन ने भी किए, जनप्रतिनिधियों ने किए, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोरोना को रोक नहीं पा रहे हैं। और उसके मूल कारण वही है कि लोग जागरूक नहीं हैं, अभी भी बिना मास्क के लोग घूमते हैं, अभी भी शादी ब्याह भीड़ भाड़ में हो रही है, हर कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा हो रही है, और उसको देखते हुए जो मीटिंग में सबकी चर्चा सामने आई, अधिकांश लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन कर दिया जाए। कितने दिन का लॉकडाउन रहेगा और क्या व्यवस्थाएं रहेगी जिले में? इस लॉकडाउन को हमने आज 10 दिन के लिए तय किया है कि 10 दिन हम लॉकडाउन करके एक बार चेन ब्रेक करें। अगर ये चेन ब्रेक हो जाएगी तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कम होंगे और हम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद चला पाएंगे। तो लगातार पेशेंट बढ़ने में हमारी व्यवस्थाएं सारी फेल हो जाएगी। जो व्यवस्थाएं आज अच्छी दिख रही है वो कल लगेगा कि इनकी व्यवस्था नहीं है। एक चीज देखेंगे, अभी जो 2 दिन का लॉकडाउन जो होता है शनिवार से शुक्रवार से लगाकर, इसमें पुलिस प्रशासन सख्त नहीं रहता, कई लोग अनावश्यक घूमते रहते हैं, मतलब एक तरीके से गए संडे की तस्वीरें नीमच की देखी थी, ऐसा नहीं लगता लॉकडाउन जिन लोगों को घूमना है अनावश्यक उसको घूमते, क्या प्रशासन सख्त रहेगा या वाकई क्या होगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी तक प्रशासन को बहुत सख्ती करने के लिए मना किया हुआ था कि लोगों के साथ सख्ती नहीं करना है, लोगों को जागरूक करना है, उस दृष्टि से वो 2 दिन का लॉकडाउन कर रखा था कि लोग जागरूक हो जाएं कि अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे तो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली वही हुआ कि हमारा वो प्रयोग करने के बाद भी लोगों को ये समझ नहीं आई कि हम जागरूक हो जाएं, हम कोरोना गाइडलाइन पे आ जाएं, तो इसलिए ये लॉकडाउन की घोषणा करना पड़ी। पर अब प्रशासन पूरी तरह सख्त रहेगा, जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन कराया जाएगा, क्योंकि हमें चेन ब्रेक करनी है, और जब हम लॉकडाउन कर ही रहे हैं तो फिर सख्ती तो रखना ही पड़ेगी निश्चित रूप से।